जय हिंद नर्मदे हर। कुछ छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा। आप नीचे जो इमेज चलते जा रही हैं, आप इनके बारे में क्या सोच रखते हैं? कुछ और भी इमेज आएंगी आपके लिए, आप उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? ये भी आपके लिए आने वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि इमेज चलाकर आपको क्या दिखाया जा रहा है। अब अगली वाली इमेज को आप देखिए और आप बताइए कि आपके असली हीरो कौन है। जिनको आप हीरो मानते हैं वो ये हैं क्या जो आप इमेज में दिख रहे हैं, या ये हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए सेना में खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और उनका उनको ये भी नहीं पता है, उनके घर वालों को ये भी नहीं पता है कि आज बात हुई है कल होगी कि नहीं होगी, कि ये असली हीरो हैं आपके, कि इस प्रकार के असली हीरो हैं जो हीरो नहीं बोल सकता। दोस्तों मैं तो हीरो नहीं बोलने वाला इनको, ये एक प्रकार से या तो इनको सबसे गरीब बोला जाए कि जो कुछ चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके हीरो हैं जो समाज हमारे को, हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सिखाए कि आप सट्टा खेल के पैसे कमा सकते हैं, आप गुटखा खा के दाने दाने में केसर है। दोस्तों 5 से 10 रुपए या 20 रुपए का जो पाउच मिलता है उसमें केसर आ सकती है क्या? आप खुद इंटरनेट पर सर्च करिए और केसर का भाव देखिए वो कितने रुपए किलो है और कितने रुपए क्विंटल है। तो 5-10 रुपए में जो हजारों रुपए किलो में आती है, जो कुछ इस हजार जैसे 10-10-20-20 जैसे लाखों पाउच जहां इसमें ग्राम भर आती है, वो एक पाउच में दाने दाने में केसर है। और ऐड करने वाले कौन है जो हम दिन भर टीवी पे या जब भी मौका मिलता है टीवी पे थिएटर में जाके देखते हैं, ये आपको और हमारे बच्चों को सिर्फ हीरो बोलने में और हीरो बनाने में। यदि आपने बनाया तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरी, क्योंकि आपको आपको तो सिखा दिया, अब आपकी आने वाली पीढ़ी को और औलादों को ये गुटखा खाना सिखा रहे हैं। आप हीरो बनाइए, इनकी मूवी देखिए, पैसा दीजिए और ये गुटखा खाना आपको सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको लोगों ने प्यार दिया है, जनता प्रेम करती है आपसे, आपकी एक झलक पाने के लिए आपके घर घंटों खड़ी रहती है। तुलना की जाए आपसे अच्छे तो विदेशी हैं, जिसने काले पानी को मना कर दिया था कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। साउथ के भी कई हीरो हीरोइन है जो दोस्तों रियल में हीरो हीरोइन कहलाने लायक है, भले ही वो मूवी बनाते हैं, वो बॉर्डर पे नहीं खड़े हैं, लेकिन कम से कम वो 5-10 रुपए का गुटखा तो नहीं बेचते हैं, गंदे नाली का पानी तो नहीं बेचते हैं। ये आपको बुरा लगने वाला है जो कि आप बड़े आनंद से पीते हैं, और वही 20 रुपए का गन्ने का जूस आपको बहुत महंगा लगता है। भैया बर्फ डाल दी, इतना महंगा दे दिया, और वहां वो पैकेट के अंदर सीसी बंद करके गंदे नाले का पानी आपको बेच रहा है शक्कर डालकर, और आप बड़े स्वास्थ्य के, वो आपकी जिंदगी है, आप पीजिए जो आपको मर्जी है। लेकिन दोस्तों मैं ये आपसे ये कोशिश करी है मैंने, और मैं ऐसी कोशिश करते रहूंगा। एक तरफ जिनको आप हीरो मान रहे हैं और बड़ी थिएटर में देखने जा रहे हैं, वो 5-10 रुपए का गुटखा और गंदा पानी बेच रहे हैं, एड कर रहे हैं आप भी पियो, बच्चों को भी पिलाओ, दाने दाने में केसर है, हलाना है, ढिमका है, शर्म आनी चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों उन्हीं के बड़े भाई दूसरी तरफ सट्टा खेलना सिखाते हैं, क्या आप आपके बच्चे को बोलेंगे कि ऐसा गेम खेलिए जिसमें आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कार मिलेगी, एक दूसरा इनाम 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 7 करोड़ है, तो फिर बाद में ये लाइन क्यों बोलते हैं कि आपकी जवाबदारी आपके जोखिम पे खेलिए, यदि कुछ होता तो आपकी जवाबदारी इसमें लग लग सकती है, इसमें आपकी जवाबदारी है, गुटखा के पीछे लिखा रहता है, ये क्यों नहीं बताते आप बड़े बड़े अक्षरों में, ऐसा बड़ा मरा लिख देते किसी को समझ। आप अपने बच्चे को इन लोगों से तो दूर रखिए। सलूट जय हिंद उन भाइयों को है जो अभी कुछ कायरों ने हमारे भाइयों को, जो रियल हीरो है, असली हीरो है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हम इधर आसानी से घूम रहे हैं, मजे से जिंदगी जी रहे हैं,
ये उन लोगों की देन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हीरो आपके दोस्त नहीं हो सकते जो गुटखा बेचते हैं, जो सट्टा खेलना सिखाते हैं। दोस्तों मेरे लिए असली हीरो ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये मेरे लिए असली हीरो है। ये जो वो हीरो है जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने माता पिता को छोड़कर, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, सबको छोड़कर देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ये असली हीरो है। ये किसी, इस हीरो को मैंने किसी गुटके का, किसी गंदे पानी का, किसी सट्टे का कभी ऐड करते नहीं देखा है। इनको जो मिलता है वो खा लेते हैं, जहां जगह मिलती है वहां जी लेते हैं, सो लेते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं और देश की सेवा करते करते या तो ये रिटायर होकर आते हैं या फिर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। दोस्तों ये असली देश के हीरो हैं। ये नहीं जो 5 रुपए का गुटखा, 10 रुपए का गुटखा बेच रहे हैं, पैसे लगाइए सट्टा खेलिए, आपके आपके बच्चों को सट्टा खेलना सिखाते हैं, ये आपके हीरो दोस्तों कतई नहीं हो सकते हैं। ये असली हीरो हैं, देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर, उनको आज का एक पल का नहीं पता है। ये हमारे देश के सैनिक हैं असली। ऐसे देशवासियों को हीरो बनाइए, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में उनको दिखाइए, बोले ये असली हीरो हैं, ये हमारे देश के, हमारी जान है, ये हमारी सांसें हैं, ये हमारी धड़कन है। चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं हम देश के असली हीरो हैं। हमारे देश के सभी भाइयों को सत सत नमन जो बॉर्डर पर खड़े हमारे जैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हमारी मानसिकता, हमारी बदसलूकी है हमारे बॉर्डर पे खड़े भाइयों कि हम आपको छोड़ के इन चवन्नी छाप को देख के उनका गुटखा खरीद के खाते हैं, उनके द्वारा बेचा दिखाया गया टीवी पे काला पानी पीते हैं और उनके द्वारा दिखाया गया सट्टा खेलते हैं और आपको हीरो नहीं मानते। जब आप दिखते तो आपको जय हिंद तक नहीं करते, देश के जवान आते हैं तो दिल से निकलता जय हिंद। दोस्तों किसी दिन हमारी कोचिंग पे आइए और वहां पर देखिए, बच्चा एक शब्द बोलता है जय हिंद, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सिर्फ जय हिंद बंदे मातरम बोलता है और दिल खुश होता है तो नर्मदे हर बोलता है, जय माता दी भारत माता की बोलता है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बंदे मातरम। और असली हीरो उसी को बनाइए जो देश की रक्षा करते हो, जो आपके समाज में कुछ अच्छा काम करते हो, कुछ अच्छा कार्य करते हो, ना कि जय हिंद।